हाय गाइस, मैं हूं आरजे ललित आपके साथ में और रेडियो ऑलिव पर आप अक्सर मुझे सुनते हैं रात 9 से 12 क्या जमाना था पर इस वक्त ये लोकेशन देखकर आपको शायद लग रहा होगा कि क्या पता मैं वीकेंड मूड में हूं और कहीं पर ऐसा शिप पर आया हूं एंजॉय करने के लिए आया हूं। शायद वैसा कुछ है तो सही, शिप पर तो हूं मैं लेकिन शायद एंजॉय करने के लिए नहीं आया हूं क्योंकि आज का ये दिन बेहद खास है। खास मेरे लिए है, आपके लिए है, हर हिंदुस्तानी के लिए है जिसके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। जी हाँ, आज जिस शिप पर मैं मौजूद हूँ ये एक बेहद ही खास शिप है। इसके बारे में हम डिटेल में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में आगे। लेकिन क्यों आया हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि ये शिप बहुत दूर से हिंदुस्तान से चलकर यहाँ तक पहुँची है 3 दिन के लिए। कौन सी है ये शिप, क्यों है ये पल खास, क्यों आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है, ये सब आगे बताएंगे। लेकिन इस वक्त हम आपको मिलवाना चाहेंगे हमारी एक खास दोस्त से जो कि अक्सर आपके साथ रेडियो पर मुखातिब होती है। चलिए उनसे मिलते हैं और फिर आगे की जर्नी आपसे जारी रखेंगे। और उस खास दोस्त का नाम है सिमरन। सत श्री अकाल जी, कितना दिखी हालचाल। बिल्कुल, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि इंडिया से इस बार लड्डू नहीं आए हैं, इंडिया से इस बार आई है एक शिप, एग्जैक्टली, जिसका नाम है तरंगिनी। जी हाँ, INS तरंगिनी, जिसका हम काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे और आज यहाँ पे हम दोहा पोर्ट पे पहुंचे हैं इस INS तरंगिनी को वेलकम करने के लिए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक शिप नहीं है, मतलब एक पूरा फील है, एक पूरा एहसास है क्योंकि इंडिया के फ्लैग के साथ जैसे हम एंट्री ले रहे थे, हम दूर से इंडिया का बड़ा सा फ्लैग देख रहे थे, तो देखते ही वो जो फील आई है ना कि यार मजा आ गया। एक बार फिर से आपके साथ हम मौजूद हैं। मैं हूं ललित, मेरे साथ में है सिमरन और हमारे साथ में इंडियन नेवी से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सर वैभव गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि INS तरंगिनी पर आज हम मौजूद हैं और इसके बारे में बताने के लिए वैभव अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। गुड आफ्टरनून टू दोहा एंड द शिप INS तरंगिनी। ये जो नेवी का सेल ट्रेनिंग शिप है, अभी हम ये शिप कोची में बेस्ड है और अभी हम कोची से चले थे 14 नवंबर को, वहाँ से फिर शिप मस्कट गया था, मस्कट से फिर शिप निकला था दोहा के लिए। कुछ आपके दोहा के कतारी ऑफिसर्स को लेकर शिप दोहा आया है, हमने उनका ट्रेनिंग किया, हमने उनको दिखाया कि इंडियन नेवी कैसे ऑपरेट करती है, हम क्या करते हैं एट सी में। उसके बाद शिप यहाँ पर अभी है, अभी करीब 3 दिन के लिए हम यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद हम वापस कोची की तरफ रवाना होंगे। वैभव साहब, ये बताएं, जब हम शिप पर आ रहे थे तो आप लोग बहुत एक्साइटेड थे, आपने कहा कि ये इस तरह की शिप और कोई नहीं है दूसरी, मुझे ये बताएं कि ये शिप बाकी शिप से किस तरह से डिफरेंट है। ये शिप बाकी शिप से काफ़ी डिफरेंट, एक तो ये मेन चीज़ ये है इसमें कि ये शिप जो है आपको नेचर के बहुत करीब रखता है। एक तो इसका हाइट आपने देख ही लिया है, हम काफ़ी पानी के करीब हैं, आप भी अभी बोल रहे थे कि हम एक्चुअली लग रहा है जैसे पानी में ही हैं, एक तो वो चीज़ है और बाकी जो है इतने सेल्स वगैरह हैं वो मैनुअली सब सेट होते हैं, सब मैनुअली करना पड़ता है। आपको जो नेचर के फोर्सेज हैं जैसे बारिश है, हवा है, वो सब आप फेस करते हैं तो आपको पता चलता है कि हमें कैसे जो है आगे जब हम दूसरी शिप में जाएंगे कैसे हमें ऑपरेट करना है, क्या करना है, काफ़ी कुछ सिखाता है आपको। तो इसीलिए बेसिक ट्रेनिंग के लिए मेरे ख्याल से ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है और ये जो इस तरह के शिप बहुत ही कम नेवीज में है दुनिया में। दोहा पोर्ट में थे आज हम, तरंगिनी का हमने विजिट किया। ललित, तरंगिनी के बारे में हमने बहुत कुछ बता दिया लेकिन एक्चुअली तरंगिनी का मतलब क्या होता है? देखिए, सिमरन ने बहुत अच्छी बात पूछी है कि तरंगिनी का मतलब क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ कि तरंग जो होती है वो होती है लहरें और तरंगिनी जो लहरों पर चलता हो, तो लहरों पर चलने वाली INS तरंगिनी का हमने आज आपको विजिट करवाया। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आया होगा और हम बहुत एक्साइटेड थे जब हम आए थे, तो हमने अपने हिंदुस्तानी तिरंगे को जब देखा तो दिल में अलग ही एक जज्बात जागा देशभक्ति का, जो कि हमेशा रहता भी है, लेकिन आज सीरियसली इस शिप पे विजिट करके बहुत मजा आया। एग्जैक्टली, और इस शिप में जितने भी ऑफिसर्स थे उन्होंने बहुत ही प्यार से हमको पूरी शिप का विजिट करवाया और इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। और एक बार फिर से कहना चाहेंगे, जैसा कि ये शिप का काम है कैडेट्स को ऑफिसर बनाना,
तो काफी सारे यंगस्टर्स हैं जो इस वक्त हमें देख रहे होंगे, आई एम श्योर, उन सबको हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए ऑप्शंस बहुत हैं, प्रोफेशंस बहुत हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। हमें तो खैर रेडियो जॉकी बनना था, हम बन चुके हैं, लेकिन अगर अभी आपके मन में कुछ ख्यालात हैं कि जिंदगी में क्या करना है, क्या करियर ऑप्ट करना है, तो आई थिंक देश की सेवा करने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, तो आप भी इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, क्या कहती हो सिमरन? बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, और फिलहाल आप हमें ज्वाइन करिए रेडियो ऑलिव 106.3 पर। आगे की अपडेट्स के लिए सुनते रहिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, इंस्टाग्राम की स्टोरीज देखिए और हमारी वेबसाइट पे जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिलेगी। फिलहाल INS तरंगिनी से मैं RJ ललित और RJ सिमरन कहते हैं आपको जियो बिंदास, जय हिंद। Radio Olive, Geo.